नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कल गीधा ट्रस्ट की ओर से संचालित इंटरनल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति और कल गीधा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर सिंह एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर करमजीत सिंह, कुलपति जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला ने की। इंटरनल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रविंदर सिंह ने 2022 की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। इससे पहले शब्द कीर्तन का भी आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 386 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। इसमें 267 स्नातक एवं 119 स्नातकोत्तर प्रोग्राम्स के लिए डिग्रियां दी गई। 10 PhD प्रोग्राम के लिए भी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। मास्टर स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धि की उपाधि जगनीत कौर मास्टर ऑफ एजुकेशन और नैन्सी BSc साइकोलॉजी ने स्नातक स्तर पर उपलब्धि हासिल की। विभिन्न विभागों में टॉपर रहने पर 13 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसमें नैन्सी BSc साइकोलॉजी, सूजन BSc एग्रीकल्चर, दिव्या लालवानी BTech फूड टेक, अमनदीप कौर BEd, जसकरण कौर BTech, वर्षा राणा BSc नर्सिंग, कनिका गौतम MPH, हरमनदीप कौर MA म्यूजिक, नीलम देवी MSc एग्रीकल्चर, मनीषा ठाकुर BSc बेसिक साइंस, अच्छाड़ा उदल कौर MSc साइंस, जगनीत कौर MA सोशल साइंस और याचना MSc नर्सिंग को मेडल दिए गए। इसके अतिरिक्त राइजिंग रिसर्चर अवार्ड के लिए तनवीर कौर PhD स्कॉलर बायोटेक्नोलॉजी, रूबी देवी PhD स्कॉलर बायोटेक्नोलॉजी, PT PhD स्कॉलर जीव विज्ञान को मेडल के साथ नवाजा गया। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडीश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।